नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बिहार में फर्स्ट फेज की वोटिंग में अब सिर्फ 4 दिनों का वक्त बाकी बचा है। पहले दौर में बिहार किन किन मुद्दों पर वोट करने जा रहा है? बिहारी वोटर के मन में पीएम मोदी का राष्ट्रवाद का एजेंडा होगा या फिर लोकल मुद्दों को लेकर वो ज्यादा वोकल रहने वाला है? बिहार आर्टिकल 370 और कश्मीर पर वोट करेगा या रोजगार का मुद्दा उस पर ज्यादा हावी रहेगा? क्या बिहार का चुनाव लोकल मुद्दों पर होने जा रहा है या फिर राष्ट्रवाद पर ईवीएम का बटन दबने जा रहा है? हमने सीधे ग्राउंड जीरो पर जाकर बिहार के वोटर के मन को टटोला है। ज्योति मिश्रा ने जम्मू में सीधे वोटर से बात की है। इस वक्त मैं बिहार के जमुई विधानसभा सीट पर मौजूद हूं और यहां का राजनीतिक जो गठजोड़ है वो आप देखेंगे तो बहुत ही दिलचस्प तस्वीर नजर आती है। जमुई लोकसभा से चिराग पासवान सांसद हैं, लेकिन चिराग पासवान एक तरफ केंद्र में बीजेपी के साथ हैं तो राज्य में उनकी नाराजगी विधानसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन से नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर अब कई और फैक्टर्स ऐसे हैं जो चुनाव में ये अहम रोल प्ले करेंगे डिसाइड करने के लिए कि आखिर लोगों का मत किसको जाएगा। जातीय समीकरण की भी बात करें तो जमुई विधानसभा क्षेत्र MY बाहुली यानी मुस्लिम यादव वोटर्स के अलावा राजपूत वोटर्स यहां पर डिसीजन मेकर्स की भूमिका में होंगे। लेकिन अब एक और एस्पेक्ट जो सामने आ रहा है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद बिहार के लोगों में अब एक और उत्सुकता है। जो मोदी वेव की बात की जाती है चुनाव से पहले, क्या वो बिहार में वापस जाग रही है? ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कई राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र किया जिसमें 370 से लेकर राम मंदिर, 3 तलाक जैसे मुद्दे भी शामिल थे। ऐसे में बिहार की जनता की क्या राय है? क्या वो राष्ट्रीयता को प्राथमिकता देंगे या फिर लोकल मुद्दों के आधार पर लोकल फॉर वोकल होंगे? तो इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत सारे मुद्दों का जिक्र किया जिसमें देश हित में किए गए मुद्दे जैसे 370, 3 तलाक हटाना, आर्टिकल 35A, ये तमाम मुद्दे आपके लिए ज्यादा मैटर करते हैं या जमुई के मुद्दे के आधार पर, यहाँ के लोकल मुद्दे के आधार पर आप वोट देंगे? नहीं, मोदी के आधार पे। क्या क्या मुद्दा है? मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे? वो 307 हो गया, राम मंदिर हो गया, वो धर्म के पीछे 370, हाँ 370 और धर्म के पीछे राम जन्मभूमि जो इसीलिए नाश कराए, इससे हम लोग बहुत खुश है और हम उनको ही वोट देंगे। हम नीचे का स्तर नहीं देख रहे, हम ऊपर का स्तर देख रहे, हम अपना समाज को देख रहे हैं। आप ये नहीं देखेंगे कि यहाँ से स्थानीय नेता कौन है, आप मोदी के नाम पे वोट देंगे? नहीं, यहाँ का स्थानीय नेता भी बहुत अच्छी है, बीजेपी के हैं, बहुत अच्छे हैं, हम लोग भी उसके साथ सहमत दे रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रहित के मुद्दे जो मोदी जी ने गिनाया कि राम मंदिर बनवाने से लेकर 370 हटाने तक, ये सारे मुद्दे आपके लिए ज्यादा मैटर करते हैं या जमुई के लोकल मुद्दे के आधार पे वोट देंगे? मोदी जी का तो पर देंगे वोट। क्यों खुश हैं जी? यहाँ पर तो सब एक बार विधानसभा देखे, एक बार नया भी चेहरा है, इनको भी देखते हैं क्या है। बीजेपी से जो श्री सिद्धि जो खड़ी है इनको भी देखते हैं, जो कमल है इनको जो है मोदी के विचार से दे रहे हैं वोट। सभी एक बार जीते, इनको भी नया चेहरा जो है, इनसे भी विधानसभा जमुई से है। नाम क्या है आपका? अनिकेत कुमार। अनिकेत, आपका नाम भैया? उमेश कुमार। उमेश जी, भैया क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी, आज जो हम देख रहे हैं कि राष्ट्रहित के नाम पर बीजेपी दावा कर रही है कि ये तमाम बड़ी बड़ी चीजें हुई, राम मंदिर से लेकर 370 से लेकर 3 तलाक से लेकर, आपके लिए देश के ये मुद्दे बिहार चुनाव मायने रखेंगे या बिहार के मुद्दे? ऐसा है कि जब मेरा देश विकास करेगा तो राज्य भी करेगा, दोनों तरफ अगर एक सत्ता बनेगी, एक सरकार बनेगी राज्य और केंद्र में, तो एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा विकास होगा। जब केंद्र का सरकार रहेगी और यहाँ भी केंद्र के समर्थन में सरकार रहेगी तो ज़्यादा विकास होगा, इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ भी NDA की सरकार बने। आप केंद्र के मुद्दों को, राष्ट्र के मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? जी हाँ, मेरे लिए तो सबसे पहले देसी है ना। जमुई में लोकल मुद्दा नहीं है कुछ भी आप लोगों के? लोकल तो है ही, लेकिन मतलब कि मान के चलिए कि वो हम लोग का देश हित का मुद्दा ही तो बहुत काफ़ी अच्छा है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि नए उन्हीं के आदर्श पर चलें और उनके विचारधारा। तो देश का विकास होगा तो राज्य का विकास स्वयं ही हो जाएगा, ये यहाँ के कई लोगों का मानना है। और ऐसे में ये लोग राष्ट्रहित के मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं बिहार के लोकल मुद्दों के ओवर, जमुई के लोकल मुद्दों के ओवर। आपका क्या विचार है? लोकल ठीक है, लोकल मुद्दे होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। विकास होना चाहिए, हमेशा साथ होना चाहिए सब नेता दुख सुख में। यहाँ पर दिक्कत होगी तो केंद्र के नेता नहीं होंगे साथ? ना, साथ बात नहीं है, नहीं, सब लोकल ही साथ देंगे।
तो प्रसारण करना है कि। और आपको क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? जी चंदन कुमार। चंदन, आप जमुई के रहने वाले हैं? जी। तो इस बार वोट डालने के मुद्दे आपके राष्ट्रीय हित के होंगे जो मोदी जी ने गिनाए हैं वो, या फिर आप जमुई के मुद्दे के आधार पर वोट डालेंगे? नहीं, जो मोदी जी बोले हम उन्हीं का सपोर्टर हैं और उनको हम उनका ही वोट डालेंगे, और जो कि हमारे बहुत अच्छा काम किए हैं देश के लिए। जैसे क्या क्या मुद्दे से खुश हैं आप देश के? मेरा 370 धारा हटा दिया गया है, जो कि हम कश्मीर में, यहाँ मेरी बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है कि कोई भी वहाँ पे जा करके जमीन खरीद करके रह सकता है, जिसका अपना विचार हो कि हम वहाँ रहेंगे तो रह सकता है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन बिहार में आपको जमीन, घर, विकास, रोड मिले ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा गली नहीं बना है, कुछ ऐसा है जो कि नहीं बना होगा, हम मानते हैं, लेकिन अधिकतर तो देखिए जहाँ तक कि गली, नाली और नल और जल योजना चलाया गया, हर एक गली और नल का विकास किया गया है। क्या मुद्दे होंगे सर आपके, क्या नाम है? कुछ नहीं। अच्छा, आप बताइए सर क्या नाम है आपका? सतीश कुमार सिन्हा। सतीश जी, मोदी जी ने कल अपने भाषण के दौरान राष्ट्रहित में एनडीए सरकार द्वारा लिए गए वो तमाम बड़े बड़े पहलू बताए, आप उन तमाम बातों से खुश हैं या जमुई के लोकल मुद्दों पे आप वोट देंगे? मैं उनके बात पर खुश है। क्या किस किस चीज के फैसले से खुश हैं आपकी वोट देंगे? 370 के बात पर थी है और यहाँ का जो विकास हुआ है उसके। आप लोग जमुई के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार। गुड्डू जी, इस बार आपको लग रहा है कि मोदी जी ने जो राष्ट्र वाले मुद्दे बोले, 370, राम मंदिर, 3 तलाक, इन मुद्दों पे जमुई की जनता वोट देगी या जमुई के लोकल मुद्दों पे आप लोग अपने नेता को चुनेंगे? हाँ, वो तो जम्मू के मुद्दे पर टेंगे, बाकी बात काम तो अच्छा ही हुआ है। काम अच्छा हुआ है। मैडम आपका नाम क्या है? सोनी गुप्ता। सोनी जी, जमुई में विकास हुआ? हाँ हुआ तो है। क्या क्या हुआ है, क्या बदला है? सड़क वगैरह बन गया है, हो गई है। हाँ। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए जो जो अब तक अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में फैसले लिए, आप उनके नाम पर वोट देंगे या फिर लोकल नेता को वोट देंगे? वही लोकल नेता जो है। तपन कुमार सिंह जी, आप जमुई से रहने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, जमुई से। यहाँ पे इस बार कौन सा फैक्टर हावी रहेगा? कल नेताओं के भाषण में आपने सुना ही होगा कि हमने 370 हटा दिया, 3500 कर दिया। मैडम यहाँ जम्मू में लोकल फैक्टर रहेगा। देखिए, वो बीजेपी को हम लोग समर्थक शुरू से थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने अजय प्रताप से 5 साल काम करवाया, झंडा करवाया। बीजेपी का यहाँ नामो निशान नहीं था, लेकिन अजय प्रताप ने 5 साल यहाँ पे काम किया और झंडा उठा करके पूरे एक एक व्यक्ति को सदस्य बनाया, बूथ लेवल का सदस्य बनाया, पंचायत लेवल का सदस्य बनाया, और अंतिम दौर में उनको टिकट नहीं दिया गया। तो बीजेपी बहुत ही फेक पार्टी है। पहले तो हम लोग बीजेपी का सपोर्ट करते थे, मोदी जी अच्छे लोग हैं, राम मंदिर बनवाए, 370 धारा हटाए, बहुत अच्छा है, लेकिन जम्मू में जब भी चलेगा तो लोकल फैक्टर चलेगा। चलिए, ये तो आप पॉलिटिकल गेम की बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात करें तो आपको लग रहा है नेशनल के ओवर लोकल मुद्दे? नहीं, यहाँ देखिए, हम लोग नेशनल, जब लोकसभा का चुनाव होता है, यहाँ पे लोकसभा के जब नेशनल का मुद्दा था तो हम लोगों ने चिराग पासवान को जिताया, लेकिन जम्मू में जब विधानसभा का चुनाव है तो हम लोग लोकल मुद्दा को कराएंगे। RJD के जो कैंडिडेट थे विजय प्रकाश जी ने 5 साल में किसी गांव पे देख लीजिएगा 2.5 करोड़ का काम अपने प्रखंड, निजी प्रखंड जो है उनका। संसदीय वोट जब चुनाव होगा तो आप अपना सांसद नेशनल मुद्दे पे चुनेंगे, विधायक लोकल मुद्दे पे चुना जाएगा, जो जम्मू का विकास करेंगे वही काम करेंगे। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम गोपाल कुंवर। गोपाल जी, जमुई के रहने वाले हैं? नहीं, हम बेगूसराय के रहने वाले हैं। अच्छा, बेगूसराय के। ये बताइए, इस बार बिहार में जब आप अपना मतदान डालने जाएंगे तो आप देश में क्या क्या काम हुआ मोदी जी ने जो गिनाया, 370 से लेकर राम मंदिर से लेकर बड़ी बड़ी चीजें, वो फैसला ध्यान में रखेंगे कि आपके बेगूसराय में क्या विकास हुआ, बिहार में क्या विकास? देखिए, वो तो सेंट्रल का होगा, ये जो है ये स्टेट का चुनाव है, सेंट्रल और स्टेट के चुनाव में अंतर है। तो ये बिहार में विकास सभी लोग करते हैं, लेकिन जितना होना चाहिए इतना हुआ नहीं, कोई भी दल आए, लेकिन यहाँ का जो जमीनी है, नौजुवक का जो रोजगार है वो होना चाहिए, बाकी कुछ भी कर दे कोई भी पार्टी, उससे विकास नौजुवक का नहीं होगा। आज नौकरी ख़त्म हो गया, कोरोना के नाम पर बहुत लूट है, इसलिए जो स्टेट का है वो विकास होना चाहिए, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज आए, बच्चे लोग के पढ़ाने के लिए ITI वगैरह खुले, है कि नहीं, जो हमारे बच्चे बिहार से बाहर जाके पढ़ते हैं वो हमारा पैसा बिहार में। सभी वादा तो बिहार के लिए कर ही रहे हैं, तो इस आधार पे जनता किसको चुनेगी, किसको वोट देगी? अब जनता के ऊपर है, जनता जिसको चुन ले, है कि नहीं, जनता क्या है, जनता अभी सब समझदार है,
वो बहुत समझ बूझ के अपना मत देती है। आप जब वोट देने जाएंगी इस बार तो आप ये देखेंगी कि आपके लोकल इलाके में क्या काम हुआ है या आप ये देखेंगी कि मोदी जी ने क्या काम किया है? लोकल इलाके में जो काम हुआ वो तो देखेंगे या मोदी जी भी जो काम किए वो भी देखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो जो होगा उसके बाद हम वोट करेंगे। तो मोदी जी के किसी काम से खुश हैं आप, किसी फैसले से? हाँ खुश हैं। कौन से फैसले से? बहुत ही जो मतलब देश में जो प्रगति हुआ है, बहुत सारा तो प्रगति हुआ है, बिजली में, सड़क में, स्कूल में, पानी में, सब जगह तो प्रगति दिख रहा है। राजीव तिवारी जी कहाँ, जम्मू ही के रहने वाले हैं जी। अच्छा, कल मोदी जी ने अपने भाषण में क्या क्या मुद्दे गिनाए पता है आपको? हाँ, बिहार के विकास के लिए गिनाए। और क्या बिहार का विकास और साथ में देश का विकास, देश के में जो बड़े बड़े फैसले लिए गए, राम मंदिर बनवाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ, 3 तलाक को हुआ, उसके बाद 370 कैंसिल हुआ, ये तमाम मुद्दे आप लोगों के लिए ज्यादा मायने रखते हैं? बहुत बढ़िया है, तब भारत के लिए तो बहुत बढ़िया है। आप वोट देने से पहले देश का मुद्दा देखेंगे कि बिहार का मुद्दा? नहीं, देश और बिहार दोनों देखेंगे, दोनों का विकास हो। दोनों का विकास किसने किया है? दोनों का मोदी और नीतीश कुमार ने किया। नमस्ते मैडम, क्या नाम है आपका? सोनी देवी। सोनी जी, पूजा करने आई हैं? जी हाँ। अच्छा, एकदम बिहारी स्टाइल में आप आज वेशभूषा तैयार नजर आ रही हैं। अब बिहार का चुनाव भी होने वाला है, तो ये बताइए कि मोदी जी ने जो मुद्दे गिनाए हैं कि इंडिया के लिए, भारत के लिए जो जो हुआ है, आप उसके आधार पे वोट देंगी या जम्मू में जो जो काम हुआ है उसके आधार पे? जी मैडम, जो ऐसा विकास हुआ है तो हम लोग वोट जरूर देंगे। कैसा विकास? बहुत कुछ हुआ, लेडीज लोग भी बहुत अच्छा काम किए हैं, शिक्षा प्रति भी काम किए हैं जी, स्वास्थ्य विभाग भी काम किए हुए हैं, तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, और आप आज पूजा पाठ भी करने आई हैं, देश की जनता भी खुश है कि राम मंदिर का फैसला बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। उस आधार पे वोट देंगे? जी हाँ मैडम। अच्छा, राम मंदिर बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हम लोग वोट देंगे जरूर। उनके काम से खुश हैं आप? जी। जमुई में विकास हुआ? हाँ हुआ है, बहुत विकास हुआ है। बबलू जी कहाँ के रहने वाले हैं? जमुई का। जमुई के? हाँ। जमुई में कौन सा मुद्दा इस बार वोट में हावी रहेगा, राष्ट्रहित, राष्ट्र के मुद्दे या फिर लोकल मुद्दे? नहीं, लोकल मुद्दे तो है ही, पर राष्ट्रहित के जो जो सारे मुद्दे हैं वो सारे मतलब हटा दिए मोदी जी ने, है ना, मोदी जी हटा दिए हैं। तो मतलब जो जो मुद्दा था, जिस मुद्दे पे रोज नेता लोग वोट लेते थे, उस मुद्दा को ही खत्म कर दिया मोदी जी। जैसे कि 370, हाँ। कश्मीर का मुद्दा हो गया, और ये आपका राम मंदिर का मुद्दा, ये सारे खत्म हो चुके हैं। आई सपोर्ट बीजेपी। अच्छा, तो देखिए ज्यादातर जमुई की जो जनता है वो यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं कि राष्ट्रहित के मुद्दे लोकल मुद्दों के ऊपर प्राथमिकता इसलिए रखते हैं कि अगर राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र में जिन मुद्दों पर नेता अब तक वोट मांगते आए हैं उन मुद्दों को ही मोदी ने मिटा दिया है, तो ऐसे में हम क्यों ना उन्हें वोट दें, और लोकल विकास से भी वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखना यही होगा कि लोग नेशनल मुद्दों को चुनते हैं या फिर लोकल फॉर वोकल होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की राय हमने आप तक पहुंचाई। जमुई से कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ ज्योति मिश्रा, इंडिया टीवी।